हाय हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जो कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूँ। आपको इस कोर्स में सीखने के लिए मिलेगा कंप्यूटर। कोर्स का नाम है कंप्यूटर बेसिक। जैसे इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है घर में या कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में, आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। इस कंप्यूटर कोर्स में मैं आपको बेसिक डिटेल्स दूंगा सब, जैसे आपके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कंप्यूटर में है जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स आपको कैसे यूज़ करने हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। या आपको कुछ पेंटिंग्स वगैरह करना है या कुछ आपको नॉर्मल वर्ड्स वगैरह टाइप करना है तो वर्ड्स वगैरह आप कहाँ में टाइप कर सकते हो, कौन सा फंक्शन गाय के लिए यूज़ होता है, वो पूरी जानकारी इस कोर्स में मैं आपको दूंगा। सो गाइज, मैं आज इस कोर्स का पहला लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा, नॉर्मली आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है और डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, या तो आपके पास जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के जो ऑल एसेसरीज है वो ऑल एसेसरीज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे कौन से एसेसरीज का क्या नाम है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस लेसन वन में दूंगा। तो अब यहाँ पे हम वीडियो शुरू करेंगे। गाइज, आपको मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज दिख रही होंगी। इस इमेज के अंदर बेसिक जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स है। देखो, इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो पहला आपको टीवी जैसा दिख रहा है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का यूज़ ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी वर्क करेंगे वो वर्क आपको देखना है, वो देखने के लिए आपको मॉनिटर को यूज़ करना पड़ता है। आप जो भी वर्क करते हैं उसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मॉनिटर यूज़ होता है। ये देखो, इसे मॉनिटर कहते हैं। आगे देखो, आपको एक ऐसा डब्बा टाइप कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो बॉक्स टाइप में, इसे हम सीपीयू कहते हैं। इस सीपीयू में ही अपना जो सारा वर्क अपन करते हैं पूरा वर्क इस सीपीयू में स्टोर होता है। जैसे आपके कुछ फाइल्स वगैरह आपने क्रिएट किए, फ़ोटोज़ वगैरह क्रिएट किए, सब कुछ जो भी आप करोगे वो पूरा जो स्टोरेज होता है वो सीपीयू में स्टोर होता है। सीपीयू ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ सीपीयू साइज़ में छोटे होते हैं, कुछ साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ ऐसे स्लिम सीपीयूज़ होते हैं, इसे अलग अलग टाइप के सीपीयू है। यहाँ पे जो सीपीयू दिख रहा है इसे हम टावर पीसी भी कह सकते हैं। तो गाइस, इसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कीबोर्ड कहेंगे। इस कीबोर्ड को यूज़ करके हम कुछ भी कंप्यूटर में टाइप वगैरह करना है, अपने को टाइपिकल वर्ड्स वगैरह टाइप करने हैं, नंबर्स टाइप करने हैं, सिंबल टाइप्स करने हैं, वो सब कुछ हम इस कीबोर्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। आगे ही देखिए, आपको एक गोल राउंडेड बॉक्स, मतलब छोटा सा एक डिवाइस दिखाई दे रहा है। इस डिवाइस का नाम है माउस। ये जो माउस देखो क्या काम में आता है, आपको आपके डेस्कटॉप में कहीं पे भी एक्सेस करना है, कोई भी चीज़ को ओपन करना है या क्लिक करना है, उसके लिए आपको माउस आपके पीसी में रिक्वायर्ड है, इसे माउस कहते हैं। सो आगे देखिए, आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं येलो कलर में, ये तो नॉर्मल है। देखो, इसे हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का यूज़ है कि आपको कंप्यूटर में कुछ वीडियोज़ या कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले करना है, उसका आउटपुट आपको चाहिए, को वो सुनना है, उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में स्पीकर रिक्वायर्ड है, इसे स्पीकर कहेंगे। स्पीकर भी बहुत से अलग अलग टाइप्स के स्पीकर होते हैं, जो साइज़ में छोटे बड़े, ज़्यादा आवाज़ वाले, कम आवाज़ वाले, सॉफ्ट वॉइस वाले, हार्ड वॉइस वाले, सब कुछ स्पीकर यहाँ पे होते हैं। आप कोई भी स्पीकर आपके कंप्यूटर को लगा सकते हो। सो आगे एक डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस का नाम है प्रिंटर। आप जो कुछ भी कंप्यूटर में सॉफ्टली टाइप करते हो उसका आपको हार्ड कॉपी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे प्रिंट कह सकते हैं या तो जेरोक्स कह सकते हैं। आपको प्रिंट या जेरोक्स काटने के लिए आपके कंप्यूटर को प्रिंटर होना ज़रूरी है। इस डिवाइस का नाम प्रिंटर है। सो देखो, मैं आपको आगे फिर से दिखाऊंगा अलग अलग इमेज में।
अभी ये ऑल कंप्यूटर था, अभी मैं आपको सिंगल सिंगल इमेज में दिखाऊंगा। फर्स्टली गाइस देखो, इसे कहेंगे हम फिर से सीपीयू। अब सीपीयू में देखो क्या क्या होता है। सीपीयू में ऊपर ही एक डीवीडी रहता है, आपको कोई सीडी वगैरह आपके कंप्यूटर में प्ले करके देखनी है उसके लिए ये डीवीडी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसे हम डीवीडी राइटर कहते हैं। अब जाएंगे हम आगे। आगे देखो आपको एक हर कंप्यूटर में सीपीयू ऑन करने के लिए एक पावर बटन दिया होता है। उस पावर बटन को ऑन करके हम अपना सीपीयू ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे पावर बटन है, कुछ सीपीयू में नीचे पावर बटन होता है, कुछ सीपीयू में ऊपर होता है, तो इस टाइप का जो पावर बटन दिखता है गाइस देख लो आप, इसे हम पावर बटन कहेंगे। उसके नीचे देखो एक येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइट से ये आपको शो करता है कि आपका पीसी ऑन हो गया, तो ग्रीन लाइन दिखाता है, या कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया तुम्हारे पीसी में तो रेड लाइट दिखाता है। यहाँ पे लाइट से हर सीपीयू को लाइट्स होते हैं। आगे दिख रहे देखो दो प्लग्स, इन प्लग्स का नाम है ऑडियो प्लग, इन्हें हम ऑडियो प्लग कहते हैं। आपको आपके कंप्यूटर को स्पीकर्स लगाने हैं, हेडफोन्स लगाने हैं, उसके लिए ये ऑडियो प्लग हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आगे आ रहे हैं देखो आप यूएसबी पोर्ट। आपको आपके कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाना है, जैसे आपको कोई पेन ड्राइव लगाना है, या कोई आपके पास में दूसरा ड्राइव है जैसे हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क, कोई मशीन्स वगैरह है फिंगर मशीन या कोई अनदर डिवाइस, आपको वो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो वो आप यूएसबी पोर्ट को यूज़ करके कर सकते हो। ये अपना पूरा सीपीयू है, इसे हम सीपीयू कहते हैं। आगे देखिए गाइस, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि मॉनिटर का यूज़ अपन किस लिए कर सकते हैं। आप देखो इसे मॉनिटर कहते हैं। तो आगे है अपना माउस। माउस देखो इस टाइप का होता है, माउस को तीन बटन होते हैं, एक बटन होता है लेफ्ट, एक बटन होता है राइट, और ये सेंट्रल में रहता है स्क्रॉल। ज़्यादातर काम लेफ्ट बटन का होता है, लेफ्ट बटन को यूज़ करके कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल, कोई भी वर्ड को अपने को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट वाला बटन यूज़ करते हैं। जो राइट वाला बटन है ज़्यादा से ज़्यादा 10% यहाँ पे यूज़ होता है, कुछ स्पेशल काम के लिए यहाँ पे राइट बटन यूज़ होता है। और ये जो स्क्रॉल होता है, जैसे हम बहुत सारे लंबे डेटा वगैरह में काम करें, लंबी फाइल में बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे फाइल्स है, अपने को ऊपर या नीचे लेके जाना है फाइल्स को, उसके लिए यहाँ पे जो बीच में वाला बटन दिया है स्क्रॉल, तो स्क्रॉल बटन अपन यूज़ कर सकते हैं, उसे घुमाना पड़ता है गोल। आगे देखिए इसे कहेंगे कीबोर्ड। ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर बहुत सारे अलग अलग बटन्स होते हैं, जैसे देखो आपको स्पेशली नंबर्स वगैरह टाइप करना है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ नंबरिकल कीज दे हुए नंबर्स टाइप करने के लिए। आपको एरो का यूज़ करके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं जाना है तो आप यहाँ पे नेविगेशन कीज को यूज़ कर सकते हो, या आपको कुछ टाइपिकल वर्ड्स वगैरह टाइप करने हैं जैसे ABCD या अल्फाबेट या सिंबल्स वगैरह, तो यहाँ पे टाइपिकल कीज दे हुए। या आपको दो वर्ड्स के बीच में कुछ जगह छोड़नी है जिसे हम स्पेस कहते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस बटन दिया है, स्पेस बटन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर दिख रहे हैं देखो गाइस, F1 से F12 तक, इन्हें हम फॉर्मेशन कीज कहते हैं। जो स्पेशल जो काम होते हैं वो काम करने के लिए इस बटन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम अपन वर्क कर रहे हो, प्रोग्राम के बारे में अपने को हेल्प मदद चाहिए, आपने फॉर्मेशन कीज में F1 बटन प्रेस कर दिया तो आपको डायरेक्ट हेल्प वहाँ पर शो कर देगा, ऐसे कुछ फॉर्मेशन कीज इसे कहेंगे। स्पेशल बटन से ये, मैं आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी डिटेल में दूंगा आगे वाले वीडियो में, अभी मैं आपको बेसिक डिटेल दे रहा हूँ। सो अभी नेक्स्ट देखिए स्पीकर। आप सभी को पता है स्पीकर हमें ऑडियो म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए हम स्पीकर को यूज़ करते हैं। आगे देखो गाइस वेब कैमरा, आप सभी को पता होगा कैमरा नॉर्मल हो गया है, अब आपको कंप्यूटर में फोटो वगैरह काटने मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हो, कुछ काम वगैरह कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लग रहे हो, फ़ोटोज़ आपको कैप्चर करनी है तो कैमरे से कैप्चर करके ले सकते हो, या आपको किसी
गाइस, ये जो वेब कैमरा होता है ना, वेब कैमरा का यूज़ होता है आपको किसी को वीडियो कॉल वगैरह करना है कोई सोशल वर्क साइट से या कोई स्काइप वगैरह से, तब आपके पीसी को वेब कैमरा होना ज़रूरी है। वेब कैमरा रहा तभी आप वीडियो कॉल कर सकते हो। आगे जो डिवाइस दिख रहा है इसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर का यूज़ होता है कि आपको आपने कुछ वर्क वगैरह किया है आपके कंप्यूटर में, आपको उसकी हार्ड कॉपी मतलब उसकी प्रिंट या जेरोक्स चाहिए, वो लेने के लिए आपके कंप्यूटर को प्रिंटर होना ज़रूरी है। सो गाइस, यहाँ पे अपनी वीडियो पूरी होती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और आपको इसके आगे वाला जो लेसन है वो लेसन आगे का जो लेसन है वो आपको मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। बट आपको वो लेसन देखना है मेरे YouTube चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।